नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीता मिश्रा, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टाइम न्यूज। गोंडा जिले के कर्नलगंज में फूड पॉइजनिंग से कई लोग हुए बीमार। कर्नलगंज डॉक्टर नितिन बंसल ने खाद्य पदार्थों की जांच खाद्य अधिकारी को समय समय पर करते रहने एवं खाद्य विभाग में हेल्पलाइन नंबर शुरू करने के लिए कहा। गोंडा के कर्नलगंज तहसील के गाँव रुदौली में एक वैवाहिक कार्यक्रम में विषाक्त भोजन करने से बीमार हुए लोगों को तुरंत CHC कर्नलगंज में इलाज हेतु लाया गया। लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए SDM RK वर्मा व CO जितेंद्र दुबे ने बताया कि शादी में आए बरातियों और घरातियों को हुआ है फूड पॉइजनिंग, जिसमें लगभग 100 से 150 लोग फूड पॉइजनिंग से हुए पीड़ित, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्नलगंज एवं परसपुरवा निजी अस्पतालों में चल रहा है। 50 लोग कर्नलगंज स्थित CHC में आए हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है और अच्छे से अच्छे उनको इलाज की सुविधा दी जा रही है। दोनों गांव में भी हमारी दो टीम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से पहुंची है, ताकि वहां पर भी अगर गांव में कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो जो शादी समारोह में चिंतित हुआ हो, उसको किसी को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो, उसका त्वरित इलाज कर हो सके। हमारी कोशिश यही है कि सभी लोगों को त्वरित इलाज करके सपोर्ट किया जाए। इस तरीके से फूड पॉइजनिंग से इतने लोग बीमार पड़े हैं सर, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो खोया है वो खोए के कारण ये सब जो कुछ हुआ है, और यहाँ खोया खासकर नगर के अंदर धड़ल्ले से बिक्री की जाती है नकली खोए की। इस पर लगाम लगाने के लिए जो अधिकारी जो हिलावले करते हैं कार्रवाई करने में या उन पर अंकुश लगाने के लिए, ओवरऑल आपको क्या करेंगे जो कि ऐसा दोबारा ना हो? खाद्य सुरक्षा विभाग को स्पष्ट ये निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि गर्मी का बहुत मौसम है, तो गर्मी के मौसम में अगर कोई कटा फल मिलता है, खुले में जो पानी बिक रहा है, या कोई की या कोई भी खाद्य पदार्थ है जो काफ़ी देर बाहर रह जाता है, तो उसकी खराब होने की या सड़ने की संभावना हो सकती है। तो खाद्य सुरक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस विषय में भी जो आज की घटना है इसकी भी जाँच कर लें, और बाकी सब में भी शहरी क्षेत्र में जहाँ भी कटे हुए फल मिल रहे हैं उनको बिक्री उनकी रुकवाएं, और साथ ही जहाँ पे मिठाई की दुकानें हैं या यहाँ पर खोए की बिक्री हो रही है या भी कोई की भी दुग्ध पदार्थ की जो खराब होने की संभावना है उसकी चेकिंग करें, और जहाँ पर भी ऐसी कोई संभावना दिखे तो उसको विरक्त भी कराएं, और जो बेच रहा है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई। शहरी क्षेत्रों में तो छोड़ दीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। वो अब देखा जाएगा कि कौन से ऐसे गाँव हैं जो इस चीज़ से प्रभावित हैं जहाँ पे बिक्री हो रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे केसों से हम बचाव कर सकें, और इस गर्मी के महीने में हम ये भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक भी करें, ताकि जागरूकता फैले, ताकि जब वो खरीद रहे हैं ऐसे खाद्य पदार्थ तो सोच समझ के खरीदें, और अगर कोई ऐसी शिकायत आएगी तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम जिला मुख्यालय पर भी खाद्य सुरक्षा विभाग में हेल्पलाइन नंबर क्रिएट करा दें, जिसके माध्यम से ऐसी शिकायतें हैं तो उस पर